क्लोक वॉल्ट ऐप से एडिट फोटो और वीडियो को आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन में वापस लाएंगे। दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, अगर दोस्तों आपने अपने इस क्लोक वॉल्ट ऐप में अपने फोटो और वीडियो को छुपा के रखा था और दोस्तों ऐसे में आपके वो फोटो और वीडियो वहाँ से डिलीट हो गए, या फिर दोस्तों आपने गलती से वहाँ से डिलीट कर दी, या फिर आपके फोटो वीडियो वहाँ से किसी और ने डिलीट कर दिए, तो फिर ऐसे में आप उन फोटो वीडियो को अपने मोबाइल फोन में किस तरीके से वापस लाएंगे, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं इस क्लोक वॉल्ट ऐप में आपको रिसेल बिन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ से आप अपने फोटो वीडियो को नहीं निकाल पाओगे। आपको अपने मोबाइल फोन में दो ऐसे ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिनकी मदद से दोस्तों आप अपने फोटो और वीडियो को अपने मोबाइल फोन में वापस लाएंगे। दोस्तों पहला ऐप की बात करें तो वो होगा दोस्तों हमारा फोटो रिकवरी के लिए, यानी जिससे हम अपने फोटो को वापस लाएंगे, और दूसरा ऐप दोस्तों वो होगा हमारा वीडियो रिकवरी के लिए, जिससे हम अपनी डेड वीडियो को वापस लाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी फोटो को वापस आना तो दोस्तों आप पहला ऐप से उसे यूज़ करके अपने फोटो वापस ला सकते हैं, और चाहते हैं दोस्तों आप अपने वीडियो को रिकवर करना है दोस्तों उसके लिए सेकंड वाला ऐप है, इन दूसरा वाला ऐप है, उसे आप यूज़ करके अपने डेड वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन में वापस ला सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ऐप 95% मोबाइल फ़ोन में वर्क करते हैं, यानी काफ़ी मोबाइल फ़ोन में काम करते हैं। दोस्तों इन ऐप को पहले मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया है और क्लोक ऐप से कुछ फोटो अपने वहाँ से डिलीट करें, फिर दोस्तों मैंने इन दोनों ऐप से रिकवर किया है और सक्सेसफुल ये दोनों ऐप से फोटो और वीडियो हमारी रिकवर हो गई। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। बिना वक्त गवाए मैं आपको इस साइड में स्क्रीन पर दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इस क्लोक वॉल्ट ऐप से डिलीट फोटो को अपने मोबाइल फोन में वापस लाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने मोबाइल फोन में क्लोक वॉल्ट ऐप से डिलीट फोटो कैसे वापस लाएंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों आएगा हमारा वीडियो कैसे रिकवर करेंगे। पहले बात करते हैं फोटो रिकवरी की। उसके लिए दोस्तों हमें अपने मोबाइल फोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा दोस्तों, जिस ऐप का नाम है डिस्क डीजर। आपको ये ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। इस ऐप की अगर बात कर जाए 100 मिलियन प्लस दोस्तों इस ऐप के डाउनलोड है और 3.8 इसकी रीडिंग है दोस्तों, काफ़ी अच्छी रीडिंग आती है। और डाउनलोड दोस्तों आप देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस इस ऐप के डाउनलोड हो जाते हैं। तो आपका दोस्तों इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। पहले मैं इसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखा है और मैं इसे यहाँ से अपने मोबाइल फोन में ओपन करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपसे कुछ परमिशन मांगे तो आपको इसकी सारी परमिशन यहाँ से एलो करनी होगी। तो परमिशन एलो करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों स्कैनिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जितनी भी आपके फोटो होंगे वो सारे रिकवर होकर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। क्लोक वॉल्ट ऐप से जितने फोटो आपके डिलीट हुए हैं सभी वापस आ जाएंगे। अगर दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट नहीं करा हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर दोस्तों आपने अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर दिया फिर दोस्तों आपके ना फोटो वापस आएंगे ना ही आपकी वीडियो वापस आएगी। तो यहाँ पर हमारी स्कैन कंप्लीट हो चुकी है और हमारे यहाँ पर कुछ फोटो रिकवर हो चुके हैं। और दोस्तों अब बात कर रहे हैं इन फोटो को हम अपने मोबाइल फोन के गैलरी में कैसे लेके जाएंगे। तो गैलरी में जाएंगे दोस्तों आपको करना क्या है, पहले आपको यहाँ से फोटो सिलेक्ट करने को, चाहे दोस्तों आप यहाँ पर एक एक करके ही फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर चाहते हो आप सारे सिलेक्ट करना तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके और यहाँ सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और यहाँ से आप रिकवर पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ बीच में क्लिक करना होगा, सेव द फाइल पर यहाँ क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको कोई भी एक अपनी नया फोल्डर बनाना होगा। अगर आप दोस्तों आप नहीं चाहते नया फोल्डर बनाना तो फिर आप यहाँ से किसी फोल्डर को सिलेक्ट करके वहीं पर इन फोटो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर अपने लिए कोई एक फोल्डर सिलेक्ट करता हूँ, पिक्चर्स वाला फोटो सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ नो थैंक्स और यहाँ सेविंग 19 सेविंग, ये दोस्तों देख सकते हैं आप सक्सेसफुल हमारे फोटो सेव हो चुके हैं हमारे मोबाइल फोन की फाइल मैनेजर में, और दोस्तों ये फोटो हमारे गैलरी में भी आ जाएंगे। इस तरीके से आप क्लोक वॉल्ट ऐप से डिलीट फोटो को रिकवर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। दूसरे नंबर पर आती है हमारी डिलीट वीडियो। अगर हमारे क्लोक वॉल्ट ऐप से वीडियो डिलीट होती है दोस्तों, उसे फिर हम किस तरीके से अपने मोबाइल फोन में वापस लाएंगे, उसके लिए भी दोस्तों आपको एक अपने मोबाइल फोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। उस एप्लीकेशन का मैं नाम आपको बताता हूँ, प्ले स्टोर जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऊपर सर्च करना होगा डिलीट वीडियो रिकवरी, ये ऐप आपको सर्च कर देना है और सबसे ऊपर आपके सामने आ जाएगा ये वाला ऐप। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, तो हम इसे ये वाला ऐप, तो इस ऐप को दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। इसकी अगर बात करी जाए 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड है और 4 पॉइंट इसकी रीडिंग है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रीडिंग आती है इस ऐप की। तो 4 पॉइंट इसकी रीडिंग है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं इन दोनों ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर भी इन्हें अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यहाँ से अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने में दोस्तों अगर ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको परमिशन इसकी एलो करनी होगी, तो मैंने यहाँ से परमिशन एलो कर रखी है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर, हम रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इस ऐप से वीडियो को रिकवर करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है रिस्टोर डिलीट वीडियो, आपको इस पर क्लिक कर देना है सिंपली क्लिक। दोस्तों इस ऐप पर एड इसलिए आते हैं क्योंकि ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसी वजह से इसमें ऐड आते हैं। अगर दोस्तों ये ऐड नहीं आएंगे तो ये ऐप कमाई कैसे करेगा, तो इसने कमाई करनी है अभी, तो ऐड तो आ गई इस पर, तो हम इस ऐड को कट कर देते हैं यहाँ से।
कट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमारी जो स्कैनिंग होगी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ चुका है वीडियो रिकवरी स्कैनिंग कंप्लीट इन 5 डिजिट फाइल फाउंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉफ्ट डिजिट फाइल का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से 8 आएंगे तो आपको यहाँ से 8 को कट कर देना है। तो हम यहाँ से 8 को कट कर देते हैं, 5 सेकंड का 8 है तो यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद अब देखते हैं हमारी जो फाइल है जो हमारे मोबाइल फ़ोन के किलोक वर्ल्ड एडिट हो गई थी वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर रिकवर हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इन फाइल को हम किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में ले जाकर सेव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें इन्हें सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ से हम इन्हें एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से आपको एक एक करके ही रिकवर करना होगा। यहाँ से रिकवर रिस्टोर, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर का, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद ये देखो अनचेक इट, तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे पहले इस तरीके से और यहाँ रिस्टोर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये हमारी रिकवर हो चुकी है और हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाकर सेव हो चुकी है। अब दोस्तों हम दोबारा देखते हैं और हम इस फाइल को रिकवर करते हैं, तो हम इन दोनों पर टिक लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ रिस्टोर पर क्लिक करेंगे और ये भी दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जाकर सेव हो जाएगी। तो मैं अब आपको दोस्तों दिखाऊंगा आपको किस फोल्डर में ये फाइल मिलेगी अगर आपकी गैलरी में नहीं आए तो क्या करना होगा। आपको जाना है प्ले फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है अपनी इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा डिलीट वीडियो रिकवरी। तो ये वाला फोल्डर आप देख सकते हैं जो फाइल हमने दोस्तों वहाँ से रिकवर करी, जो वीडियो हमने वहाँ से रिकवर करी डिलीट वीडियो रिकवरी ऐप से, तो वो हमारी रिकवर होने के बाद वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ से हम वीडियो प्ले करके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड थी हमारी, जो कि मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी, जो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी थी अपने किलो वॉल ऐप में सर्व करने के बाद डिलीट करी थी और वो अब यहाँ से रिकवर हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्लॉक वर्ल्ड ऐप से डिलीट फोटो और वीडियो निकाल सकते हैं इन दोनों ऐप की मदद से। दोस्तों इन ऐप का मैंने खुद अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करा है और मैंने कुछ क्लॉक वर्ल्ड ऐप में अपनी फोटो डाली थी और कुछ वीडियो डाली थी और मैंने वहाँ से खुद डिलीट करी है। तो दोस्तों 95% हमारी वहाँ से रिकवर हो चुकी है, यानी हमारे मोबाइल फ़ोन में रिकवर हो चुकी है और 2-4 फोटो दोस्तों मेरे वहाँ से नहीं आए। कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें सबके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में और दोस्तों मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे मैं अगली यानी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी बनाऊँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।